नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं राष्ट्रपतियों की। राष्ट्रपति के चयन में भले ही राजनीतिक दल अपने हितों के हिसाब से जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन इस गरिमामय पद पर पहुंचा व्यक्ति दलगत राजनीति से परे होता है। इस कारण से कई बार सरकार और राष्ट्रपति के बीच टकराव की स्थिति भी बन जाती है। आइए जानते हैं उन राष्ट्रपतियों के बारे में जिनके कार्यकाल में सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव की स्थिति निर्मित हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंदू कोड बिल पर असहमति। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हिंदू कोड बिल पर सरकार से पहला मतभेद हुआ था। आपत्तियां जताते हुए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र भी लिखा था। राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर भी दोनों में कुछ मतभेद रहे। मुंबई में सरदार पटेल की अत्योष्टि में व्यक्तिगत रूप से राजेंद्र बाबू के शिरकत करने का नेहरू ने विरोध किया था। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद धार्मिक समारोह में राष्ट्रपति की उपस्थिति का भी नेहरू ने विरोध किया था। नेहरू का कहना था कि पंथ निरपेक्ष देश की मुखिया को सार्वजनिक तौर पर धार्मिक कार्यों से दूरी रखनी चाहिए। इस पर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि सोमनाथ आक्रांता के सामने राष्ट्र विरोध का प्रतीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महंगाई पर उठाई आवाज। श्रेष्ठ वक्ता और दर्शन शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के बीच आमतौर पर राजनीति से ज्यादा दर्शन की बातें थी। इसके बावजूद वह सरकार की आलोचना से नहीं कतराते थे। 1966 में बढ़ती महंगाई पर उन्होंने सरकार की आलोचना की थी। वह राजनीतिक मसलों पर स्वतंत्र राय भी देते थे। कहा जाता है कि नेहरू की चीन नीति फेल होने पर भी डॉक्टर राधाकृष्णन निराश थे। राष्ट्रपति भवन के पूर्व सुरक्षा अधिकारी मेजर सीएल दत्ता के अनुसार उस दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन और कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने नेहरू को रिटायर करने का फॉर्मूले पर भी काम किया था। वीवी गिरी रबर स्टैंप बनकर नहीं रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही वीवी गिरी ने कहा था कि यदि वे चुने गए तो रबर स्टैंप साबित नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी में विघटन और उथल पुथल के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के लोकसभा भंग कर तुरंत चुनाव की सलाह दी थी। इस पर राष्ट्रपति गिरी ने कहा कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं, अकेले प्रधानमंत्री की नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक बुलानी पड़ी थी। ज्ञानी जेल सिंह वापस कर दिया था पोस्टल बिल। भारत के सातवें राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने सरकार से मतभेद सामने आए थे। उन्होंने दोनों सदनों से पारित होने के बावजूद पोस्टल बिल पर सहमति नहीं दी थी। उन्होंने विधेयक को विचारार्थ सरकार के पास वापस दे दिया था। दोबारा राष्ट्रपति ने इस पर कभी निर्णय नहीं दिया। 1986-87 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनके कई मसलों पर मतभेद रहे थे। फरुखुद्दीन अली अहमद छवि को लगा धक्का। राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। उनके इस निर्णय की बहुत आलोचना होती है, क्योंकि उन्होंने केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह बिना कुछ विचार के निर्णय ले लिया था। उन्होंने ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि मंत्रिपरिषद में इस विचार हुआ है या नहीं। बाद में गृह मंत्री ने स्वीकार किया था कि आपातकाल का ऐलान 25 जून 1975 को हो गई था, जबकि कैबिनेट में इस पर 26 जून को मोहर लगाई थी। इस प्रकरण ने राष्ट्रपति पद को साख की धूमल की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।